हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे स्कोडा की फेविया गाड़ी के बारे में। स्कोडा की फेविया गाड़ी है ये, मैं आपको गाड़ी का दृश्य दिखाता हूँ। देख सकते हो, ये स्कोडा की फेविया गाड़ी है, TDI इंजन इसका, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम जो है वो है लीकेज की, स्कोडा की फेविया, ठीक है। तो मैंने इसकी शील्ड खोली थी, कस्टमर का कहना था कि जहाँ पे भी खड़ी करते हैं गाड़ी को तो नीचे आयल का जो है ढेर लग जाता है। तो ये इसकी रही शील्ड, ये आप देख सकते हो, उस पर काफ़ी आयल पड़ा है। तो मैंने शील्ड इसकी खोल ली, ठीक है। अब नीचे जाके मैं आपको बताता हूँ इसमें लीकेज क्या है। तो कस्टमर का कहना था इसका चैम्बर भी नीचे से लीक हो चुका था, तो किसी ने ये देखो अच्छे से जुगाड़ किया है MC लगा के। चलो, लाइफ टाइम तो नहीं होगा ये, लेकिन किया है। लेकिन अब ये आप देख सकते हो, ट्रेस करने पे हमको पता चला है ये एक गिल्ला है नीचे से, ये देखो। तो ये देख के ऐसे लग रहा है जैसे ये यहाँ से पूरी पाइपिंग और पाइपलाइन जितनी भी है ये भरी हैं डीजल के साथ, ठीक है। तो ये नीचे इंजन ऑयल की लीकेज नहीं है, किसी ने अच्छे से कपड़ा मार के ताज़ा ही काम हुआ लगता है। तो ये डीजल की लीकेज लग रही है, आप देख सकते हो। ऐसी कंप्रेशर काफ़ी डीजल नीचे आता है, गाड़ी चल के जैसे आती होगी तो ये जब खड़ी करते होंगे तो वहाँ नीचे डीजल लग जाता है। देखो यहाँ पे भी फ्रेश डीजल है ना। तो लीकेज तो हमें ऊपर से लग रही है। चलो, ऊपर इसका हाई प्रेशर पंप है, वो देखते हैं। आप देख सकते हो इधर कैसे, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर गाड़ी के, फिर हम देखते हैं इसको कहाँ से लीकेज है। तो शील्ड की निकालते हैं बाहर, ये भी ऐसे ही पड़ी ऊपर। तो ये रहा इसका हाई प्रेशर पंप। तो ये डीजल जहाँ से लीक है, ये आप देख सकते हो इसके ये लीक है डीजल। लाइट बड़ी मैडम, ये देखो जैसे मैं पाइप को हिलाता हूँ तो इसकी जो ओवरफ्लो पाइप है इससे नीचे जो डीजल है वो निकलता है। ये देखो, वो देखो डीजल निकल रहा है, ठीक है, वो देखो, है ना। तो इसके मतलब कि ये पाइप जो है इसकी लीक है, ठीक है। इसको निकालते हैं बाहर। तो ये पाइप लीक है, इधर इसके रिंग होता है, वो रिंग छोटा सा वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये सारा आयल जो है नीचे जाता था। तो इसके हम डालेंगे ओ रिंग को, चाहे इसको रिप्लेस करेंगे, ओ रिंग मिल गया तो इसे ही डाल के रिपेयर कर देंगे हम। तो फिर करेंगे गाड़ी स्टार्ट। दोस्तों, इसके आगे जो रबड़ जो ओ रिंग है वो हमने डाल दिया है, और इसकी पाइप जो काट के आगे हमने कर दी है, ठीक है। इसको हम लगा देंगे इधर, अरे इस बड़ी बढ़िया, ठीक है। तो ये लग जाएगा इधर, इसको अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगा फिर इसको लगाऊँगा। तो दोस्तों, इसको अच्छे से क्लीन करके तो ये हमने पाइप को बिठा दिया है। अब इसको हम हिला रहे हैं तो इसमें से आयल नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मैटरिंग वाल का लगा देंगे कपलर, ठीक है। दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट कर, अब करेंगे गाड़ी स्टार्ट और देखेंगे इसको लीकेज है कि नहीं है। अब लीकेज इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये थी स्कोडा की फेविया। अब इधर भी लगा देंगे एक मिनट को। तो ये थी आज की वीडियो स्कोडा रैपिड पे।
थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।